नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार भारत ने 202 रनों से तीसरा टेस्ट मुकाबला जीत लिया है और इसी के साथ कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बना, कौन मैन ऑफ द सीरीज बना, जानेंगे इसी के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी को। तो आप बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप लोग भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम ने रांची टेस्ट में साउथ अफ्रीका को एक पारी और 202 रनों से मात दे दी है और इसी के साथ यह सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। हम आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 497 रन का स्कोर बनाया था और अपनी पारी को फिर घोषित किया और इस पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे रोहित शर्मा, जिनके बल्ले 255 गेंदों में 212 रन निकले, जिसके दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। तो उन्हें इस बल्लेबाजी के चलते मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तीसरे मुकाबले में। और वहीं हम आपको ये बताएं कि इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 162 रन बनाकर ही ढेर हो गई और इस पारी में हमजा ने सर्वाधिक रन बनाए, उन्होंने 62 रन बनाए और वो भी आउट हो गए। और इस पारी में उमेश यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, मोहम्मद शमी ने 2 विकेट हासिल किए और बॉलरों ने भी काफी अपना अच्छा योगदान दिया मैच में। तो इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को फॉलो ऑन तो दिया था, लेकिन दूसरी पारी में भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 133 रन पर ही ऑल आउट हो गई। तो इसके चलते दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब मिला है वो रोहित शर्मा को दिया गया है और प्लेयर ऑफ मैच तो हमने आपको बताया कि रोहित शर्मा को ही मिला है। हालांकि दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब के लिए 3 दावेदार निकल के आए थे। पहले पर थे रविंद्र जडेजा, दूसरे पर रोहित शर्मा और तीसरे पर विराट कोहली। तो माना जा रहा था कि रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन खैर जो भी हो, मिला तो किसी भारतीय खिलाड़ी को ही। और वहीं दोस्तों अगर हम आप लोगों को बताएं कि टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे कि अब टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को 40 अंकों की और बढ़त मिल गई है और भारतीय टीम 5 मैचों में 5 जीत हासिल करके 240 पॉइंट के साथ सबसे टॉप के स्थान पर आ गई है। और वहीं जो दूसरे नंबर पर है वो है न्यूजीलैंड, तीसरे पर है श्रीलंका, चौथे पर है ऑस्ट्रेलिया और बाकी आप लोग स्क्रीन के सामने पूरी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं इसे। तो आप लोगों का क्या मानना है, क्या रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब बिल्कुल सही मिला या फिर रविंद्र जडेजा प्रबल दावेदार थे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।